हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट एसएससी वाले एग्जाम्स के जो पूछे हुए हैं 2019 के, जो पीक्यूआरएस टाइप का होता है, आप सबको पता है। इससे पहले कि मैं ये आज की पढ़ाई स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया प्री का, सपोज आपने CGL दिया या CHSL दिया और या MTS भी दिया, तो याद रखना कि इसमें कम से कम दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब जैसा आपको पता है कि इन सारे एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब प्री के एग्जाम में किसी में भी कम से कम 4 मार्क्स तो ये आपको देके जा ही रहा है। और अगर ये 4 मार्क्स आप सही सही बना लेते हो तो मानकर चलो कि आपका स्कोर जो है ग्रामर और वोकैब मिला के वैसे ही 32-35 आता है। अगर आप ये 4 मार्क्स बना लेते हो तो कहीं ना कहीं 40 के आसपास पहुंच जाते हो। और जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 30 से 40 के बीच में फंसा हुआ है, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये टॉपिक भी है, सेंटेंस अरेंजमेंट भी है। ये आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आप जब जाते हो मेंस के एग्जाम की तरफ, तो एसएससी सीजीएल का जो मेंस होता है, इसमें कम से कम इसमें 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ सेंटेंस अरेंजमेंट से। आपको पता है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो कम से कम ये 22 मार्क्स तो आपको देके जाएगा ही जाएगा। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 20-22 मार्क्स ये आपको देके जाएगा ही। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना चाहता है तो इसका पाला सेंटेंस अरेंजमेंट से दोनों एग्जाम्स में पढ़ने वाला है, प्री में भी पढ़ने वाला है, मेंस में भी पढ़ने वाला है, और मिला जुलाकर मिनिमम 25 मार्क्स के क्वेश्चन तो इससे होंगे ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिस्पेंसिबल सेक्शन है, इसे छोड़कर तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसे सीख के अपना सिलेक्शन हम लोग ले लेते हैं। और आज का मेरा पूरा फोकस आपको सिर्फ ये टॉपिक को क्लियर करने में होगा और आपको सिखाने में होगा कि एग्जाम में मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातें आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये आपको इंड्यूस करनी पड़ेगी। पहला, आपको बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश से मेरा मतलब है कि जब मैं आपको कोई एक सेंटेंस दूं इंग्लिश में, तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लायक रहो या अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करने के लायक रहो, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, अनसीन पार्ट है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, तो इतना तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, इसके अलावा आप में बेसिक ग्रामर का सेंस होना चाहिए, बेसिक ग्रामर सेंस होना चाहिए। अब ग्रामर सेंस में क्या कह रहा हूँ मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो, बेसिक ग्रामर सेंस से मेरा क्या मतलब है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2-3 जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहीं पे इट की बात करूं तो मैं निर्जीव चीजों की बात कर रहा हूं, अगर मैं ही की बात करूं तो मैं एक किसी पुरुष की बात कर रहा हूं, अगर मैं शी की बात करूं तो मैं किसी महिला की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहीं पर बट बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे वाला सेंटेंस और इसके बाद वाला सेंटेंस आपस में विपरीत होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। तो ये जो बेसिक ग्रामर का सेंस होता है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए कि अगर किसी जगह पे फाइनली लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये उस पूरे कहानी का एंडिंग होने वाला है, अगर कहीं पर इनिशियली लिखा हुआ है तो ये कहानी की शुरुआत है, अगर कहीं पर इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का तो समझ जाओ कहीं ना कहीं या तो वो 1 नंबर पे होगा या तो 2 नंबर पे होगा, मतलब कहानी की शुरुआत उसी से होने वाली है या फिर वो सेकंड इवेंट है उसका। तो ये सब जो बेसिक जो सेंस होता है ना, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होता है, इतना आपको होना चाहिए और ये हो जाएगा, आप जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, और हम इन सब का यूज करेंगे आज। ये बात हुई कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, अब इसकी बात करते हैं कि कम समय में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है तो हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि एकदम मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात को समझना अच्छे से। देखो, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं या कोई भी आदमी आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए जो ऐसे क्वेश्चंस बना पाता है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी से मैं क्या समझा रहा हूं, मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि किसके बाद क्या होने वाला है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बस बता रहा हूं कि मान लो पी में लिखा हुआ था कहीं पर सेंटेंस को शुरू किया इट के साथ, क्यू में शुरू किया ही के साथ, आर में एक लड़का है राहुल उसके बारे में बताया गया है, और एस में एक एक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक कुल्हाड़ी के बारे में बताया गया है। अब आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए या आपका थोड़ा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि चूंकि यहाँ पे इट लिखा हुआ है तो ये ना ही के लिए आ सकता है ना ये राहुल के लिए आ सकता है, ये किसके लिए आ सकता है, ये आ सकता है एक्स के लिए। मतलब हमें ये कॉम्बिनेशन पक्का पता चल गया कि एस के बाद तो पी ही है। ठीक है, अब इससे शुरुआत है या नहीं है वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, बट हमें ये समझ आ गया कि एस के बाद पी है। आगे हम जब बात कर रहे हैं राहुल की, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आया, ही, या ऐसे बोले कि ही का एंटीसीडेंट कौन था, किसके लिए आ रहा था, वो आ रहा था राहुल के लिए। इसका मतलब हमें ये पता है कि आर के बाद होगा क्यू। तो आप जब ऐसे क्रोनोलॉजीज आप सेट करने लगते हो, आप जब ये पेयर्स बनाने लगते हो, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है।
ठीक है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आपको इसका यूज भी दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप टाइम बचाने के लिए आपको पेयरिंग करना सीखना पड़ेगा, किसके बाद क्या आता है। और जो मैंने अभी बात की थी ग्रामर सेंस के बारे में, ये ग्रामर सेंस यहीं पे लगता है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए इट किसके लिए आता है, ही किसके लिए आता है, तो क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व होंगे। दूसरा, आपको पकड़ना है या तो आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, थ्रू ऑप्शंस जब हम लोग सॉल्व करते हैं, और याद रखना टाइम हमेशा ऑप्शन से ही बचेगा, आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो जब आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखना कि ऑप्शंस शुरू किससे हो रहे हैं और ऑप्शंस खत्म किस पे हो रहे हैं, मतलब वो एलिमेंट जो शुरुआत में और वो एलिमेंट जो खत्म जिससे खत्म हो रहा है उसमें आपका आंसर छिपा होता है, ठीक है। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया रहता है आर एस पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी में दिया रहता है क्यू आर एस पी, ऑप्शन नंबर सी में मान लो दिया हुआ है आर एस टी और पी सपोज, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एस टी आर क्यू, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस तरीके से। अब हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, एक मिनट सॉरी पी था ये, अब हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें हम हमारा स्टार्ट कहां से है और एंडिंग कहां से है। मान लो कि हमें यह समझ में आ गया कि हमारा जो एंडिंग है वो क्यू पे है, इसका मतलब सीधा सीधा हम देखेंगे कि P इस पे खत्म है, P पे खत्म है, तो B और C तो आंसर हो नहीं सकता। अब हम देख रहे हैं कि ये Q पे है, ये Q पे है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हमने एंडिंग से तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, अब हम जाते हैं स्टार्ट पे और यहां देखते हैं कि यहां से कौन सा ऑप्शन कटेगा। ऑप्शन नंबर ये कटेगा। अब मान लो कि हमारा ऑप्शन हमें पता था कि R से स्टार्ट है, इसका मतलब एक स्टार्ट है R से, एक स्टार्ट है S से, हमारा आंसर ये वाला होगा। बात को समझना, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है ना कि आपको एंडिंग चेक करना पड़ता है, स्टार्ट चेक करना पड़ता है। तो आपको अभी मैंने दो तरीके बताए टाइम बचाने का, पहला पेयरिंग करना सीखो और दूसरा स्टार्ट कहां से हो रहा है एंड कहां से हो रहा है, ये बातें समझ लो तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ओके, अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चंस मैंने बहुत ही रैंडमली उठाए हुए हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जब मैं स्टूडेंट था या और भी टीचर्स को मैं देखता हूं। तो एक चीज जो मैं अलग कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आसानी से बन जाते हैं मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैंने क्या किया है कि 2019 में जो एग्जाम्स हुए थे मैंने उनके सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं जितना मैं एक वीडियो में कवर कर सकता हूं, इसलिए मैंने लेक्चर बन लिखा है, मैं आगे भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा। तो जितने मुझे एक लगा काफी है कि एक वीडियो में मैं कवर कर सकता हूं, मैंने उतने क्वेश्चंस उठा लिए हैं, ठीक है, विदाउट इवन वंडरिंग द सेकंड टाइम के क्वेश्चन टफ है या इजी है। इसका मतलब ये पूरा मिक्सचर है, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, किसी में ट्रिक लगेगा, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, और आपको इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हम कैसे तुरंत से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले से क्वेश्चन कुछ भी सेट नहीं है, जो होगा वो अभी होगा। चलो अब हम लोग आ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलो पहला वाला सवाल देखते हैं जी। तो क्या लिखा है पहले सवाल में, लिखा है अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। एक आदमी है जो कि जिसे अपनी बाइक पेवमेंट पे चलानी पड़ी, जहां पे पैदल लोग चलते हैं वहां चलानी पड़ी। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑनटू द रोड अ कार हिट हिम, जब वो रोड पे उतरने की कोशिश कर रहा था एक कार ने उसे मार दिया। एज द बस इंस्ट थ्रू द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू, जैसे ही शाम की के दिन की शुरुआत होने लगी ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया। देर वॉज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, और बिल्कुल भी स्पेस नहीं था रास्ते में। अब देखो ये क्वेश्चन को ना अगर आप सीधे तरीके से बनाओ तो थोड़ा अटपटा लगेगा। क्यों अटपटा लगेगा बनाने में, क्योंकि देखो आपको ये बात पता है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया जो इजी था, लेकिन इन दोनों को कहां बैठा है ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कहां पे इनको बैठा सकते हैं। तो ऐसे केस में भी जो मैंने बोला था कि अगर पेयरिंग बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम बनाएंगे जी पेयर्स, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं फर्स्ट नंबर से। क्या लिखा था, अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट, ओके, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑन टू द रोड अ कार हिट हिम। हमेशा प्रोनाउन ढूंढना, स्टेप नंबर वन हमेशा प्रोनाउन ढूंढना। लिखा व्हेन ही ट्राइड टू, दिख रहा है व्हेन ही ट्राइड टू, क्या लिखा हुआ था कि जब वो आदमी ट्राई कर रहा था रोड पे चलने की। अच्छा कौन आदमी और रोड पे क्यों चलना चाह रहा था, हम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस आदमी के बारे में जो कि बाइक पे चल रहा था। इसका मतलब ये ही वर्ड जो आया है ये किसके लिए आया है, इस आदमी के लिए। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सबसे पहले तो हमारा जो पेयरिंग बनेगा उसमें ए होगा क्योंकि इसमें एक आदमी की बात की गई है, और दूसरा हम इसके बाद बी पुट करेंगे, मतलब हमें कॉम्बिनेशन चाहिए ए और बी की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए में जिक्र था कि एक आदमी है और बी में उसके लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में एक कंसेक्यूटिव होने वाले हैं, एक के बाद एक होने वाला है। तो हमें कॉम्बिनेशन मिल गया ए बी का। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे ऑप्शंस पे और हम ढूंढेंगे ए बी का कॉम्बिनेशन कहीं है क्या। शॉर्टेस्ट पे वही है, देखते हैं ए डी नहीं है, डी बी नहीं है, ए डी नहीं है, ए पी आंसर है हमारा आंसर आ चुका है। हमें
पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने सी को देखा भी नहीं, हमने डी को देखा भी नहीं, हमें सिर्फ ये समझ में आ गया कि एक पेयर यहाँ से बन रहा है, हमने ढूंढा कि ये वाला पेयर कहीं पर है क्या, अगर हमें मिल गया कि ए बी यहाँ पर है तो ये आंसर होगा। अब सवाल ये होता है कि सर अगर दो ऑप्शन में ए बी हो जाता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर दो ऑप्शन में ए बी हो जाता तो फिर हम इन्हें अरेंज करने की कोशिश करते, लेकिन अभी तो पूछा नहीं है तो उसमें हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें। समझ में आ रहा है बात? चलो और क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में सब कुछ समझ जाओगे, और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और समझ में आता जाएगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी। एक बार फॉर्मेलिटीज जब हो जाती हैं, अच्छा मैं जब हिंदी बता रहा हूँ ना, अब मैं क्या करूँगा, पहले क्वेश्चंस में तो मैंने दो दो बार क्वेश्चन पढ़ा था, अब मैं एक एक बार पढ़ूंगा, हिंदी भी बताऊंगा साथ में अरेंज भी करता जाऊंगा। सो लिखा वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी। एक बार जब फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो आप अपना अकाउंट यूज करना शुरू कर देते हो और समय बचाते हो। अच्छा ध्यान देना, ए नंबर में अकाउंट शुरू करने की बात हो चुकी है, अकाउंट खुल चुका, शुरू होने की बात हो चुकी। आगे बी नंबर, ओपनिंग एन अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग। एक बैंक अकाउंट खोलना डरा देने जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। सी नंबर, गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट। एक अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ थोड़े डिटेल्स देने पड़ते हैं और थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। डी में, फॉर्चुनेटली किस्मत से मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। एक बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। अच्छा इतने बात में क्या समझ में आया, मुझे दो बातें समझ में, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन में ये बताया गया कि अकाउंट खुल चुका है, अकाउंट खुल चुका है। अच्छा बाकी तीन ऑप्शन में अकाउंट खुलने के प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा था, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वाला जो ए है ये एंड है, ये मेरा एंड है, अकाउंट इसमें खुल चुका, हीरो हमारा जो है वो विलन को मार चुका, ठीक है, अकाउंट खुल चुका, हीरो विलन को मार चुका। इसका ये मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए से एंड होना चाहिए, है ना, ए से एंड होना चाहिए। अब देखना ऑप्शन नंबर ए ए से एंड है, ऑप्शन नंबर टू में बी ए डी सी लिखा हुआ है तो सी से एंडिंग है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में देखना सीबीडीए है, सीबीडीए ए से एंडिंग हो रहा है, बहुत अच्छे। फोर नंबर में ए डी बी सी है, सी से एंडिंग हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो हमने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर लिए, अब हमारे पास बचा है या तो ऑप्शन नंबर वन या तो ऑप्शन नंबर थ्री। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ था, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग। एक बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही डरा देने जैसा लग सकता है। अच्छा देखो इसको, यहाँ पे सी नंबर में बात हो रही थी कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और डिटेल देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। किस चीज़ की प्रोसेस फॉलो करते हैं, अकाउंट खोलने की प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन हमें कब समझ में आया, जब हम लोगों ने ए बी सी सेंटेंस को स्टार्ट किया कि सबसे पहली बात तो ये कि बात किसके बारे में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अकाउंट खोलने के बारे में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट होना चाहिए था। तो देखना यहाँ पे सी से स्टार्ट है तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा हो सकता है, ए नंबर। देखो ये मेरा तरीका है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मैं कैसे बनाता हूं, हो सकता है कि आपका तरीका मुझसे भी ज्यादा शॉर्ट हो, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एकदम राइट ट्रैक पर हो। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्हें एकदम से ओर शोर नहीं समझ में आता कि ऐसे क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी है भाई सब कुछ, सिर्फ समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन। लिखा हुआ एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है सनराइज और सनसेट देखने के लिए ओशन के ऊपर। इट इज, ये इट किसके लिए आया है पता नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इट यूज किया गया, लेकिन किसके बारे में बोल रहा है, कौन सा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है नहीं पता हमें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वन तो आंसर नहीं, उसमें ए से स्टार्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं, बी में कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कन्याकुमारी हम सबको नाम पता है, एक स्टेट, एक कोस्टल टाउन है तमिलनाडु में। सी में इट इज ऑल्सो अ नोटेड पिलग्रिमेज। अच्छा इसमें ऑल्सो वर्ड को यूज करना का यूज देखना, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि राम क्रिकेट खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। अच्छा फुटबॉल भी का क्या मतलब है कि इसके अलावा एक और स्पोर्ट्स खेलता होगा, कौन सा स्पोर्ट्स, क्रिकेट, और वो क्रिकेट उसके पहले हम बोल चुके हैं तभी तो हम भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पिलग्रिमेज साइट तो है लेकिन इसके साथ साथ ये एक और साइट होगा, एक और कुछ होना चाहिए इसके साथ, हम आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, सी आप पढ़ लेना, आप बना लेना। डी नंबर में देखना, जूटिंग आउट इनटू द लैकेडिव सी द टाउन वाज आल्सो नोन एज केप क्वामोरेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लिखा हुआ है कि इसको एक और नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के शासन में, केप क्वामोरेन। अभी देखो डी कहां बैठेगा हमें समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, अगर हमें डी नहीं समझ में आ रहा तो हम बाकी से तो बना सकते हैं, हमें यह तो पता है कि ए से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा सी में देखना, सी में क्या लिखा हुआ था कि एक पिलग्रिमेज साइट भी है, ये एक श्रद्धालुओं के जाने की जगह भी है, ये तीर्थ यात्रा भी है, तो तीर्थ यात्रा के अलावा और कुछ दिया हुआ है कन्याकुमारी के बारे में, क्या दिया हुआ है कि पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। अगर पॉपुलर टूरिस्ट
स्पॉट भी है। अब आप बोलोगे सर हमें ये तो पता चल गया कि बी कन्याकुमारी से स्टार्ट है तो इसको हम लोग क्यों नहीं बिठाए, इसलिए नहीं बिठाए दोस्त क्योंकि थ्री और फोर में देखने दोनों बी से स्टार्ट है, फिर वहां जाके क्यों फंसे, ऑप्शन मैंने पहले देख रखे थे क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तभी, इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको कि बी से स्टार्ट है, वो अभी तक समझ गए होगी बी से स्टार्ट है। ओके सो मैं ये बोल रहा था कि पिलग्रिमेज साइट तो है ही, साथ साथ में और क्या है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। इसका मतलब ये है कि ए हमें पता था पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, इसके साथ साथ एक और चीज है, ये और क्या है, ये एक पिलग्रिमेज साइट भी। इसका मतलब हमें एक पेयर मिला ए और सी का, हम क्या करेंगे बाकी तीनों ऑप्शन में ढूंढ लेंगे ए के बाद सी कहां पर है, जहां होगा हमारा आंसर वो होना चाहिए। देखो इसमें ए के बाद बी है आंसर नहीं हो सकता, ए के बाद सी है हो सकता है, ए के बाद कुछ नहीं है आंसर नहीं हो सकता, आंसर कौन सा है, थर्ड नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको, तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखना, लिखा हुआ ही वुड सिट एट द एज ऑफ अ मदर्स बेड एंड स्टेयर इन टू हर क्रिब, लिखा हुआ है वो अपने माँ के बिस्तर के किनारे पर बैठता था और उसके पालने को, क्रिब का मतलब होता है पालना जिसमें बच्चे सोते हैं, उसके पालने को घूरता रहता था। ठीक है, अच्छा देखना यहाँ पे लिखा हुआ है ही, कौन घूरता रहता था, किसके बारे में बात हो रही है, पता नहीं हमें अभी तक तो नहीं पता, इसका मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर फोर देखना ए से स्टार्ट था, सबसे पहले इसे एलिमिनेट कर देते हैं। बी में देखना, अरविंद बंबल डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बॉर्न, लिखा हुआ है अरविंद जो है वो कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने कॉरिडोर में चल रहा था कि सडनली उसे याद आया उस दिन का जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। सी में, एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ हिज लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एंड आर वॉज वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस, लिखा हुआ है कि अगर उसके बच्चे के नजर से देखा जाए तो एक घंटा एक बहुत ही लंबा समय है। डी में, सम डेज ही वुड इमेजिन द वर्ल्ड थ्रू हर आईज एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वाज, लिखा हुआ है कभी कभी वो दुनिया को उसकी आंखों से देखता था। यहां देखना हर लिखा हुआ है, इसका मतलब हर मतलब कौन सा, कि जिस बच्चे के बारे में बात हो रहा था उस बच्चे की आंखों से देखता था और देखकर सोचता था कि एक घंटा कितना देर हो सकता है। अच्छा ये एक घंटा कितना देर हो सकता है कुछ याद आ रहा है, अभी हम लोगों ने सी में पढ़ा था ना एन आर, वर्ड देखना एन आर एन आर, इसका मतलब कहीं ना कहीं सी और डी तो रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है, एक तो इससे कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूं पॉसिबिलिटीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आप देखना यहां पे ही लिखा हुआ था, अब ही लिखा हुआ था तो यहां पे पूरे के पूरे में हमें दो ही करेक्टर मिले हैं, एक तो मिला है अरविंद और दूसरा मिला है उसकी बेटी। अच्छा अरविंद के बारे में तो ही बोल सकते हैं, इसका मतलब बी के डायरेक्ट बाद तो ए आना चाहिए, ये बात तो समझ आ रही है सबको, इसका मतलब हम जी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं बी के बाद ए का, बी के बाद ए का, हम चाहते तो सी और डी से भी कोई कॉम्बिनेशन बना सकते थे, आप आराम से इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, मैंने दो कॉम्बिनेशन आपको बता दिए। अभी हम ढूंढ रहे हैं बी और ए, ऑप्शन देखते हैं, बी के बाद सी आंसर नहीं हो सकता, आगे बढ़ रहे हैं सेकंड नंबर देखना बी ए डी सी, देखो बी के बाद ए है सही है ना, बी ए डी सी हो सकता है आंसर, आगे डी ए सी आंसर नहीं है, आंसर कौन सा होगा सेकंड नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट फिर भी हम इसे आराम से बना सकते थे अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते तो। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। ओके वीडियो पॉज कर एक बार बना लो पहले, ओके होपफुली आपने बना लिया होगा। अब मैं आ रहा हूं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ए में लिखा हुआ है ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलामारी एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, लिखा हुआ है नेचुरल डाइज का इस्तेमाल कलामारी में किया जाता है और इसके कुछ सेवरल स्टेप्स भी हैं। बी में, देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलामारी इन इंडिया, कलमकारी इनफैक्ट कलमकारी इन इंडिया, लिखा हुआ है कि दो अलग अलग स्टाइल्स हैं कलमकारी के इंडिया में, देयर दे आर द श्री कलहस्ती स्टाइल एंड द मछलीपत्तनम स्टाइल, लिखा हुआ है कि ये दो कौन कौन से हैं, कलहस्ती स्टाइल और मछलीपत्तनम स्टाइल। देखो मेरा आंसर मिल गया हमें, कैसे मिल गया ध्यान देना, मैंने बोला कि जी मेरे दो बेटे, एक का नाम राहुल एक का नाम श्याम, पहले मैंने बोला दो बेटे तब तो मैंने नाम बताया, अब यहां पे क्या लिखा हुआ था, देयर आर टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, दो डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं कलमकारी के, क्या क्या नाम है, एक का नाम श्रीकलहस्ती और दूसरे का नाम मछलीपट्टनम, इसका ये मतलब है कि बी के बाद सी होगा, पहले हमने बोला हमारे दो बेटे फिर हमने बोला कि उनका नाम क्या है। देखो अभी तक मैंने डी ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं लग रही डी ऑप्शन पढ़ने की क्योंकि मुझे पता है कि बी और सी अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, अगर दो ऑप्शन में बी और सी होगा फिर हम डी नंबर भी पढ़ लेंगे, क्या हर्ज है, देखते हैं। बी और सी, बी डी आंसर नहीं है, बी और सी ऑप्शन में है, बी और डी आंसर नहीं है, बी और ए आंसर नहीं है, आंसर कौन सा है सेकंड नंबर, डी ए बी सी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा बनाने में। अच्छा मेरे साथ साथ बनाते चलो, ठीक है मेरे साथ बनाते चलो, मैं जो आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस आपको क्या करना है कि एक एक करके मेरे साथ बनाते चलना है, पॉज कर बना लो फिर मुझे आंसर बता देना, ठीक है, मतलब आप मिला लेना और एक दो क्वेश्चंस मैं दूंगा लास्ट में, उससे आपको कमेंट सेक्शन में उसको बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, लिखा हुआ ए नंबर में इट्स वैल्यू इज लिंक टू व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर, उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो लिंक्ड है कि वो किससे,
ओके सो अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, ए में लिखा हुआ इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर, इसकी जो वैल्यू है वो इससे लिंक्ड है कि इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है। सेकंड, सच क्वेश्चन ऑफ एन बैफल यू, ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं। सी में है हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, एक आदमी को पैसा और उसके वैल्यू के बारे में कितना इमोशनल होना चाहिए। मुझे एक और पेयर दिख रहा है यहाँ पर, शायद आपको भी दिख गया होगा अभी तक। ध्यान देना, लिखा हुआ था ऐसे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। कैसे सवाल? अच्छा, सवाल हम लोग कैसे पहचानते हैं? सवाल हम लोग पहचानते हैं इंट्रोगेटिव मार्क से। सी नंबर में देखना, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट द मनी एंड इट्स वैल्यू, इंट्रोगेटिव मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि पहले सवाल पूछा गया और फिर क्या बोला गया, ऐसे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। इसका मतलब सवाल पूछा गया है सी में और उस सवाल का जिक्र किया गया है बी में। इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशन चाहिए सी और बी का। ऑप्शन पे आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सी बी मुझे मिला है मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। अगर इस दो ऑप्शन में या तीन ऑप्शन में अगर सी और भी मिल जाता है फिर हम कोई और तरीका लगा लेंगे। तरीके तो बहुत है हमारे पास, आप मेरे साथ साथ बनाते चल रहे हो, आपके पास भी अभी तक तरीके आ गए होंगे बनाने के। सो सी और बी, सी और बी नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, सी और बी नहीं, सी और बी हो सकता है, सी और बी नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा है? थर्ड नंबर। कितना टाइम लगेगा? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे 30 सेकंड लग रहे होंगे, आप खुद से बनाओगे तो 5 सेकंड से 8 सेकंड, मतलब आसान सवाल है जी, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, पॉज करके बना लेना, होपफुली बना लिया होगा। ए में लिखा हुआ है द मार्केट विच हैज रिमेन क्लॉग्ड विद व्हीकल्स वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्ट्रियंस, लिखा हुआ है कि वो मार्केट जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ रहता था गाड़ियों से, वो पैदल चलने वालों के लिए खाली करा दिया गया था। मुझे एक चीज यहाँ पे दिखी है मार्केट, और इसके आगे दिखा है द का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो। अगर आप उसके बारे में फिर से बात करोगे तो आप उसके आगे आर्टिकल द लगाना पड़ता है ना। इसका मतलब एक मार्केट की बात कहीं ना कहीं और बाकी ऑप्शन में होगी, और जहां पे उसकी बात होगी हम समझ जाएंगे ये उसके बाद भी बैठेगा। इसका मतलब अगर मान लो बी में बात की गई हो तो हम बी ए का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर सी में मार्केट की बात की गई तो हम सी ए का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर डी की बात डी में बात की गई तो हम डी ए का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो सारे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द मार्केट विच हैज रिमेंड क्लॉग्ड फॉर व्हीकल्स, ये तो हमने पढ़ लिया। बी में लिखा हुआ है द मार्केट यहाँ पे शायद मिस हो गया लिखना, सो द हैज इवन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स डिमार्केटिंग स्पेस फॉर हॉकर्स। ओके, ये रोड्स होना चाहिए था, लिखा हुआ है कि रोड्स जो है उसमें स्ट्राइप्स भी बने हुए हैं जो लोग बेचते हैं डेली लाइफ में उनके लिए। सी में इट ऑल्सो लाइंड विथ ब्यूटिफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट अ ग्रीन लुक, और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी आसपास में लगाए गए हैं उसमें पॉट्स में डालकर ताकि उसका एक ग्रीन लुक आ सके। डी में विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वर इन फॉर सरप्राइज, लिखा हुआ है दिल्ली का जो फेमस करोल बाग मार्केट है वहां पे जो लोग आए थे उन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला था। याद करो अभी मैंने क्या बोला था, मार्केट का जिक्र बाकी बी और सी में नहीं किया गया, कौन सी मार्केट की बात की जा रही है, डायरेक्टली किस में किया गया, डी में, जहां पे हम लोगों को यह पता चला कि करोल बाग मार्केट की बात की जा रही है। इसका मतलब हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं सर डी के साथ ए का, हम ढूंढ रहे हैं कॉम्बिनेशन डी के साथ ए का। ऑप्शन देखते हैं, डी सी नहीं, डी ए हो सकता है, ए डी बी सी नहीं है, डी ए। ओके, अब देखना यहाँ पे डी ए ऑप्शन नंबर 4 में भी है, डी ए ऑप्शन नंबर 2 में भी है। अब देखो कितना मजा आएगा, डी ए, ठीक है। अच्छा सोचो, अब इसमें भी हमें मिला है डी ए और इसमें भी हमें मिला है डी ए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में। एक जगह पे डी ए बी सी है, मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, एक जगह पे डी ए बी सी है और एक जगह पे क्या है बी डी ए सी। चलो पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, बी डी ए सी में डी ए हमें मिला था बीच में और इसके पहले लिखा था बी, तो इसका मतलब हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट होनी चाहिए थी बी के साथ। तो बी पढ़ते हैं एक बार, बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है द रोड, यहाँ पे रोड लिखना भूल गया शायद, लिखा है द रोड हैज इवन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स। अच्छा, इवन वर्ड का मतलब क्या होता है, इवन वर्ड का मतलब होता है कि और भी, जिसे ऑल्सो को हम लोग भी बोलते हैं ना, इवन का मतलब भी होता है भी। लिखा हुआ है रोड्स को भी बहुत खूबसूरती से जो है वो डीमार्केट किया गया है, मतलब लाइन्स बनाए गए हैं जहां पे हॉकर्स खड़े होकर बेच पाए। अब सोचो कॉम्बिनेशन क्या बना, हॉकर्स रोड्स पर खड़े होकर बेच पाए इसलिए रोड्स को सुंदर बनाया गया है, डीमार्केट किया गया है, करोल बाग मार्केट में जितने लोग आए थे उनको एक सरप्राइज मिलने वाला था। ये बैठा, ये सेंस बना, क्योंकि पहले तो हमें हीरो बताना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहां के रोड्स की बात की जा रही है, कौन से रोड्स की बात की जा रही है, रोड्स वो जो करोल बाग में है। इसका मतलब ये जो डी है ये तो किसी भी हालत में बी से पहले आना चाहिए था, पहले बताएंगे ना भाई कि कौन से रोड्स की बात की जा रही है। इसका मतलब ये जो डी है ये इससे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था, बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, और इससे सेंटेंस इसमें स्टार्ट है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, अच्छा है थोड़ा सोचने पर मजबूर किया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब,
अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन व्हाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स। अगर हम एक ही जोक पे हंस नहीं सकते बार बार तो हम एक ही प्रॉब्लम के लिए रोते क्यों है, मतलब हमें क्यों चाहिए। बी में वन डे ही टोल्ड देम अ जोक एंड एवरीवन रोड विद लाफ्टर, एक दिन उसने एक जोक सुनाया और सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ही टोल्ड, यहाँ पे ही किसके लिए आ रहा है भाई साहब, कौन जोक सुना रहा है, अभी तक तो आइडिया नहीं है। इसका मतलब हमें ढूंढना है, एक तो हमें बी मिल गया और जो जोक सुना रहा अगर हमें वो मिल जाए तो हम समझ जाएंगे वो इसके आगे बैठेगा और एक पेयर हमारा बन जाएगा। चलो पढ़ते हैं। सी में लिखा पीपल केम टू वाइज मैन टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, लोग जो है वो एक बड़े समझदार आदमी के पास आए और उनका उनको आकर एक प्रॉब्लम बताई, उनको आकर ये बताई कि एक कंप्लेन है सर कि हम लोग एक ही प्रॉब्लम के ऊपर बार बार कंप्लेन करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब यह था कि जो लोग हैं वो एक 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 समझदार आदमी के पास आए और उनके पास आकर बार बार एक ही प्रॉब्लम को लेकर वो लोग कंप्लेन कर रहे थे। ठीक है, नाउ डी में लिखा हुआ है व्हेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस नोबडी लाफ्ड एनीमोर, जब उसने फिर से वो जोक सुनाया तो अब कोई नहीं रोया। अच्छा, आप बात को समझना, कह रहा है कि उसने एक जोक सुनाया, उसने ये कह रहा कि दोबारा जोक सुनाया, दोबारा कब सुनाएगा, जब पहली बार सुनाएगा। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि डी के पहले बी होना चाहिए, डी के पहले बी होना चाहिए। अच्छा, ही किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, कौन जोक सुना रहा था, ऑब्वियसली ये वाइज मैन सुना रहा था। इसका मतलब सबसे पहले तो सी होना चाहिए, सी के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और बी के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें बात किया गया वाइज मैन के बारे में, इसमें बोला गया कि उसने एक बार जोक सुनाया, इसमें बोला गया उसने दूसरी बार जोक सुनाया, तो ये तो क्रोनोलॉजी सही बैठ रही है। तो हमें ढूंढना है कॉम्बिनेशन सी बी डी, ऑप्शन देखते हैं, सीबीडी नहीं है, सीबीडी नहीं है, सीबीडी नहीं है, सीबीडी है, आंसर है 4 नंबर। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो कमेंट्स में जरूर बताना आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है और आपको इसका लेक्चर 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि यह अब आपसे हो जाएगा तो मैं दोबारा नहीं बनूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं और इसमें क्वेश्चन आपको करने हैं, मेरी और हेल्प चाहिए, तो मुझे जरूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक एड मोर मिल्क, अगर मिक्सचर बहुत ज्यादा मोटा हो जाए तो उसमें और दूध मिला दो। अच्छा, यहाँ पे देखना द मिक्सचर, द मिक्सचर का मतलब क्या है कि एक बार किसी और सेंटेंस में मिक्सचर की बात हो चुकी होगी तभी तो हम द मिक्सचर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ए से तो स्टार्ट नहीं है, तो 4 नंबर तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे, फाइनली एड सुगर एंड नट्स एंड योर खीर इज रेडी, अंततः इसमें आप सुगर मिला दो और नट्स मिला दो और आपकी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, अंततः का मतलब क्या होता है, कहानी तो खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई ना, कि अब क्या हो गया कि हीरो जो है वो हीरोइन के साथ मिल गया और वहीं पे पिक्चर की द एंड हो गई, है ना। इसका मतलब हमारा जो एंडिंग है वो बी से होना चाहिए, हमें ये बात समझ में आ गया, हमारा एंडिंग जो है बी से होना चाहिए। अब देखना इसमें सी से एंडिंग है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, ऑप्शन 2 और 3। अच्छा देखना, एक सी से स्टार्ट है, एक डी से स्टार्ट है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि स्टार्ट किस से तो हमारा आंसर बन जाएगा। सी नंबर देखते हैं, बॉइल मिल्क इन अ हैवी बॉटम्ड पैन एंड एड राइस, एक मिल्क को एक ऐसे बर्तन में जिसका बॉटम बहुत हैवी हो उसमें गर्म करो और उसमें राइस मिला दो। डी में कुक फॉर अबाउट 20 आवर्स, हमें मिल गया आंसर, बोला कि इसे 20 मिनट तक कम से कम इसे पकाओ, किसे पकाओ, किसे पकाओ, पकाओ किसे, जिसमें आपने मिल्क और राइस मिक्स किया है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो किससे स्टार्ट है, सी से, कि सबसे पहले क्या किया कि दूध को गर्म करो, उसमें राइस मिलाओ, फिर उसको आगे आगे बढ़ाओ, ठीक है, फिर उसको कुक करो, फिर उस ज़्यादा थीक हो जाए तो दूध मिलाओ और आपका जो खीर है वो आपका बन चुका है। इसका मतलब हमारा आंसर स्टार्ट है सी से। सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आंसर होगा हमारा, ऑप्शन 2। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बनाना है और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बनाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको बनाना है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे साथ साथ में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि कंटेंट काफ़ी टफ है इसमें, तो इसको इन दोनों को बनाना, आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आपको इसका आंसर जरूर से बताना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये बात याद रखना कि तैयारी आपकी है, ये हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो ये तैयारी एकदम सही रास्ते में जाएगी। आपको जिस किस्म की हेल्प चाहिए एग्जाम गाइडेंस हमेशा आपके लिए खड़ा है। साथ साथ में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं हो पा रहा, आप सबके पास मेरा नंबर है, बेझिझक कॉल करना, मैं हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।